नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो आवास का घेराव किया गया था बेसिक मंत्री जी का, उस पर बेसिक मंत्री जी का क्या ट्वीट आया है, क्या जवाब आया है पूरी तरीके से, इस पर भी बात करेंगे। बात करेंगे 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर कोर्ट ने कड़ा इख्तियार रुख अपना इख्तियार किया है, सरकार को कहीं ना कहीं लताड़ लगाई है 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक अंक वाला विवाद जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किया गया था। आइए आपको पूरा वीडियो कंप्लीट एनालिसिस के माध्यम से समझाते हैं। डियर, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली न्यूज लगी हुई है, टेट सीटेट पास युवाओं ने घेरा मंत्री जी का आवास। जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के, वैसे ही टेट सीटेट पास युवाओं ने कल कहीं ना कहीं बेसिक मिनिस्टर संदीप सिंह जी के आवास का घेराव किया था। खाली पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की सरकार से मांग की गई है। जब ये पूरी मांग की गई तो बेसिक मिनिस्टर आप जानते हैं कि वर्तमान समय में कहीं ना कहीं लखनऊ में नहीं है बल्कि वो नीदरलैंड में है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये नीदरलैंड के जो बेसिक मिनिस्टर हैं उनके साथ हमारे जो बेसिक मिनिस्टर हैं संदीप सिंह जी हैं, लेकिन उन्होंने अपने द्वारा अधिकारियों को तुरंत प्रेषित किया डेलीगेशन टीम के माध्यम से। जब डेलीगेशन टीम को मिलवाया गया था अधिकारियों के द्वारा तो उन्होंने तुरंत बताया, अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है, आप देख सकते हैं नीचे एक लाइन में लिखा हुआ है कि सकारात्मक जो निर्णय है वो लिया लेने जा रही है सरकार। आश्वासन दिया गया है कि नई जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उस पर सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला है, निश्चित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं इस पर जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो प्रोसेस में लाने की बात की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, अधिकारियों ने जल्द इस मामले पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन देकर धरना समाप्त करवा दिया है। बेसिक मिनिस्टर जी के आवास पर जो धरना हो रहा था उसको कहीं ना कहीं समाप्त करवाया गया है। निश्चित तौर पर सकारात्मक जो रुख रहा है अधिकारियों का, डेलीगेशन टीम ने जिसको बुलाकर डेलीगेशन टीम मिली थी उसको आश्वासन दिया गया है कि नई शिक्षक भर्ती जल्द आएगी। लेकिन जो हमारे शिक्षक मंत्री जी हैं शिक्षा विभाग के संदीप सिंह जी, वो कल प्रेजेंट टाइम में अपने आवास पर नहीं थे बल्कि वो नीदरलैंड के दौरे पर गए हैं और वहाँ के उन्होंने जो शिक्षा मंत्री है उनसे मुलाकात भी की है। बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो अगली खबर कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती मामले में है, एक अंक विवाद पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से तलब किया है कार्रवाई का ब्यौरा, क्योंकि एक अंक वाले जो साथी हैं उनके पूरी तरीके से फॉर्म इत्यादि प्रत्यावेदन सब फिल करवा लिए थे पीएनपी कार्यालय ने, लेकिन अभी तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 6800 की जो शिक्षक सूची है रद्द हुई है और उसके तहत सरकार यह चाहती है कि दोनों को एक ही साथ जो है कहीं ना कहीं नियुक्ति प्रक्रिया दी जाए, क्योंकि अगर एक अंक वालों को अभी नियुक्ति पत्र दे देती है सरकार तो 6800 शिक्षक भर्ती जो एकल खंडपीठ बेंच के द्वारा लखनऊ के द्वारा रद्द की गई है डबल बेंच जाने के आसार हैं। हो सकता है निकट भविष्य में 6800 की जो सूची है वो सही तरीके से लागू हो और इनको भी नियुक्ति पत्र देनी पड़े सरकार को, तो फिर मेरिट बनाने में कहीं ना कहीं समस्याएं आ सकती है। तो सरकार चाहती है कि अभी एक अंक वालों को नियुक्ति पत्र न देना पड़े, इसके लिए वो 3 माह का समय मांग रही है माननीय कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर सरकार को लताड़ लगाई है, नकार दिया है कि कोई आपको समय नहीं मिलेगा। अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होनी है 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एक अंक को लेकर के। निश्चित तौर पर जो एक अंक वाले सभी अभ्यर्थी हैं उनको बहुत जल्द सरकार को नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोर्ट है वो पूरी तरीके से कड़ा रुख इख्तियार किए हुए हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर बात की जाए, 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, तो उसके लिए जो युवा हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आवास का घेराव भी लगातार हो रहा है और उम्मीदें यही हैं कि बहुत जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 51,000 देखने को मिलेगी, क्योंकि इतने पद रिक्त हैं। ये बातें खुद विधानसभा में बेसिक मिनिस्टर जी के द्वारा स्पष्ट कही गई हैं और कहीं ना कहीं हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है योगी कैबिनेट के द्वारा। तो निश्चित तौर पर जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का पिछले 5 वर्षों से अता पता नहीं है उत्तर प्रदेश में, उसको खोजने की जो लगातार तैयारी है, जद्दोजहद है, वो हर स्तर पर की जा रही है, चाहे मामला कोर्ट के द्वारा किया जाए या धरना प्रदर्शन के द्वारा किया जाए, हर एक जो संभव प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मामला कोर्ट में भी है और धरना प्रदर्शन भी है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार किस आधार पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने की तैयारी करती है। आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पल पल की सटीक ऑथेंटिक अपडेट के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।